बुरहानपुर जिले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पर जिले को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर अब सवाल उठने लगे हैं। ज्ञात हो कि लगभग 3 माह पूर्व बड़े जोर शोर से घोषणा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने लाडले कलेक्टर प्रवीण सिंह को राज्य सरकार के राजभवन भोपाल में पुरस्कृत किया था। दूसरी ओर बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह राष्ट्रीय जल मिशन योजना का कार्य संपूर्ण बुरहानपुर जिले में पूरा करने पर दिल्ली में राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर आ गए। स्वाभाविक है, राज्य सरकार की अनुशंसा के बगैर तो यह पुरस्कार मिलना असंभव था, परंतु अब आंकड़ों की बाजीगिरी करके पुरस्कृत होने वाले कलेक्टर प्रवीण सिंह की पोल खुल रही है। वहीं दूसरी ओर यह तस्वीर भी साफ हो रही है कि नाम बड़े दर्शन खोटे, ब्यूरोक्रेसी कैसे कागजी फुलाव बनाकर मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक को गुमराह करती रहती है, जिसके बाद इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाता है। इस बात का पता तब चला जब बुरहानपुर जिले के नेपा नगर तहसील के ग्राम भवानिया फालिया नौतासा फालिया घटिया फालिया के ग्रामीण बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वर्षों से वंचित होने की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हिंदू जागरण मंच के प्रियांक सिंह ने ग्रामवासियों का दुखड़ा बताते हुए तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह केवल आंकड़ों के खेल करके राष्ट्रीय पुरस्कार ले उड़े, जबकि हकीकत अलग ही हालात बयान कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में बिजली के खंभे तक नहीं है। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत अब तक गांव में पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बुरहानपुर जिले राष्ट्रीय जल मिशन की पूरी लाइन डली ही नहीं, तो शिवराज मामा के इन कलेक्टर के किस आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब देखना यह है कि वर्तमान कलेक्टर ग्रामीणों की इस समस्या के किस रूप में देखती है। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। डॉक्टर साहब जब थे उन्होंने हिंदुस्तान को नंबर वन बना दिया था कि पानी सब ग्रह घरों में है। ये आपके सामने सब खड़े हुए हैं, पानी है ही। 4-4 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं तो वहाँ से पानी ला रहे हैं। तो अब हम उसका नहीं बोल रहे, राष्ट्रपति पुरस्कार लेके आए हैं कि पानी एक एक घरों में है, पर क्या वो सही रिपोर्ट है? क्या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधा रोड वगैरह तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। पहले भी दिया कई बार, तो सभी ग्रामवासी संगठन में हिंदू जागरण मंच की तरफ से ये निवेदन है कि आप ये बात पहुँचाइए ऊपर तक कि कम से कम सारी मूलभूत सुविधाएं तो हमारे। बोलो क्या समस्या? बिजली की समस्या है। गाँव में बिजली भी नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते हो तुम? भगवानिया पंचायत से। अच्छा। घाट फलिया, हाँ। फलिया और बामनिया फलिया और नौचासा फलिया, एक रेतिया जीरा। अच्छा। वो फलिया में लाइट नहीं है। अच्छा। और पानी की समस्या भी है क्या? पानी का भी समस्या, बहुत समस्या खराब है। अच्छा। पहली बात तो अपने को लेनी नहीं है तो पानी कहाँ आ जाए? हाँ। तो खुद के छोटा मोटा रखा, लेकिन पानी नहीं है तो क्या करें? अच्छा। इनके ये भगवानिया गांव के लोग आए हुए थे यहाँ कलेक्टर ऑफिस। इनकी समस्या है कि भाई इनके गांव में बिजली नहीं है, लाइट के खम्भे नहीं लगे हुए हैं। हाँ। उसके अलावा नल जल योजना में इनको लाभ नहीं दिया गया है, नल जल योजना इनके घर तक नहीं पहुंची हुई है। और ये सब मांग कर रहे हैं कि मूलभूत जो सुविधा है, नल जल योजना, लाइट बिजली की समस्या है, वो सब हमारा निराकरण किया जाए, समस्या का हल किया जाए। हम प्रशासन से सरकार से मांग करेंगे कि इनकी समस्या का जल्द से निराकरण किया जाए।